हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूँ राहिल गिल और आज के प्रोग्राम जो है मैं शूट करने जा रहा हूँ और लोगों का कॉमन सेंस चेक करने लगा हूँ और देखेंगे कि लोग कितने सेंस में हैं या नहीं है, उनका सेंस काम करता ही नहीं है और जितने कॉमन लोग हैं वो सेंस अपना कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आप देखें हमारा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसको इंजॉय करें, याद रखें और फिर मुझे याद करें। आ जाएं। वेलकम बैक। ये था हमारा आज का इंटरेस्ट फैक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने का मतलब ये है कि आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, जो है वो आगे ले जाते हैं और सवाल अपना पहला पूछते हैं। लेकिन सवाल पहले पूछने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे सवालों को गौर से सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपका बैंड बच जाएगा। खैर, सवाल आज का पहला ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको देने से पहले ली जाती है। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको देने से पहले ली जाती है। वॉट इज़ टेकन बिफोर इट्स गिवन टू यू। ये आज का सवाल है और जाते हैं लोगों के पास, देखते हैं कि वो इसका क्या जवाब देते हैं और जितने कॉमन लोग आए हैं वो सेंस अपना कैसे यूज़ करते हैं और कितना यूज़ करते हैं और इसका क्या जवाब देते हैं। तो आ जाएं। भैया एक सवाल का जवाब देना है तुमने, बताओ ऐसी क्या चीज़ है जो आपको देने से पहले ली जाती है। ऐसी क्या चीज़ें देने से पहले ली जाती है। आई डोंट नो। वो तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी देने से पहले ली जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सोचेंगे तो आप सलाम दुआ। पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं याद आ रहा है। सोचें, ज़रा सोचें, दिमाग लड़ाएंगे। पहले ली जाती है और फिर आपको दी जाती है। पता नहीं। पैसे। पैसे मतलब अगर मैंने आपसे पैसे देने होंगे तो पहले लूँगा। जी मतलब अगर वो आपको मैं दूंगा तो उससे मुझे पहले लेनी पड़ेगी। इज्जत ही है लेने से पहले। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको देनी होगी तो पहले लेंगे वो। जैसे कि अगर आप कहीं गई हो घूमने फिरने तो वहाँ पे बहुत होता है पैसा। देने से पहले ली जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग इसका जवाब है और मेरा ख्याल आपको पता होगा इसका। मेरे ख्याल में सलाम करना चाहिए। मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। सोच तो सकती है ना। या सोच सकती हूँ बट अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती है, मैं क्या कह सकती हूँ। पता नहीं क्या है। सोचो क्या है, पैसे हो सकते हैं, क्या चीज़ हो सकती है। ऐसी दुआ हो सकती है, देने से पहले ली जाती है। मतलब आपकी ज़िंदगी आपको देने से पहले किसी ने ली थी क्या। देने से पहले ली जाती है। सॉरी जी। सलाम दुआ। सलाम दुआ मतलब अगर मैंने आपको सलाम दुआ देनी होगी तो पहले लूँगा। कहूँगा नहीं भाई पहले आप सलाम करें। आप पैसे मुझसे लोगे जब दोगे तो। जब आप मुझसे पैसे लोगे ना, जब पैसे दोगे तो। नहीं नहीं ये इसका जवाब नहीं। सोचो क्या है। आप बता दो। आई डोंट नो। इज्जत। अगर आप मुझे मतलब इज्जत दूंगा तो आप लेंगे। जाहिर है इज्जत देंगे। मतलब अगर मैं कहूँगा कि आपने मुझे इज्जत देनी है तो पहले मैं आपसे इज्जत लूँगा कि भाई आप पहले मेरी इज्जत करो। जाहिर है। बेल। मिस बेल। मिस बेल। हाँ मिस बेल मतलब फ़ोन पे अगर आप मतलब आपको देने से पहले मैं आपको कहूँगा मिस बेल दो। पैसा मतलब पैसा अगर मैंने आपको देना होगा तो पहले लूँगा। हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो दे के ली जा सकती हैं। मैं किस चीज़ का आपको बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं जी, इनको भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। किसी और से पूछते हैं जिसको समझ में आ जाए। आ जाए। अच्छा अगर मैं तुम्हें दुआ दूंगा तो पहले कहूँगा तुम दो। नहीं तो फिर मेरे दिल से निकल जाएगी ना। ऐसी और टाइम तो नहीं हो सकता। हो सकते हैं मे भी। पता नहीं यार। एक बंदे ने कहा था दुआ है। दुआ दुआ मतलब दुआ होती है ना। अब भाई आप सलामती से रहें। सही। अगर आप इज्जत किसी की करेंगे तो आपकी भी करेगा। तो इज्जत पता नहीं सर, सॉरी। वैसे मिस बेल तो कोई चीज़ ही नहीं होती, मिस कॉल होती। मिस कॉल। हाँ मतलब मिस कॉल। जी जी। चलें जी, आजकल लगता है लोगों का दिमाग पर जो है वो टेली कम्युनिकेशन वालों ने ज़्यादा ही चढ़ गए हैं तो सब कुछ मिस कॉल और मिस बेलों पे आप आ जाएं। पहली पूछ रहे हैं। कॉमन सेंस का सवाल है। कॉमन सेंस है आप में, वैसे लड़कियों में नहीं होता। अच्छा नहीं होता तो लड़कों में भी नहीं होता है। ये मैं प्रूव कर सकता हूँ होता है। ये सेंस भी लड़कियों का दिया हुआ है। देने से पहले ली जाएगी।
what is taken before it's given to you? I don't think so, but I don't know really. You don't know? Yeah, really, I don't know. चलें जी, इनका भी कॉमन सेंस इस वक्त काम नहीं कर रहा, जिसका कर रहा है उससे पूछते हैं और देखते हैं कि जवाब क्या है। मेरे भी टाइम भी हो सकता है। टाइम हो सकता है? हाँ। चलें जी, ये कह रहे दिया जाए फिर दिया जाए आपको। अच्छा, मतलब अगर मुझे आपका टाइम चाहिए होगा तो पहले मैं आपसे टाइम लूँगा। हाँ। पैसा? पैसा? हाँ। मैं तुम्हें देने से पहले कहूँगा लाओ। अगर मैं चीज़ लूँगा शॉप वालों से, वो मुझे देंगे, मैं उसको पैसे भी दूँगा। मैं उसे लूँगा और दूँगा, ये चीज़ है। शायद दुआ हो? शायद दुआ। चलें जी, ये भी कह रहे हैं शायद दुआ हो। किसी और से पूछते हैं कि आखिर इसका जवाब है क्या। आ जाए। आई डोंट नो, इतना मुझे पता नहीं है। नहीं यार, दिमाग ना, मैं नहीं, मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं यार। चलें जी, ये कह रहे हैं कि अगर टाइम हो सकता है, टाइम देने से पहले लिया जा सकता है, किसी और से पूछते हैं कैसी क्या चीज़ है। आ जाए। चलें जी, ये कह रहे हैं शॉपिंग है बड़ी, इन्होंने साइंस लड़ाई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इसका जवाब नहीं है। आ जाए। तो ये था हमारा आज का पहला सवाल, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था और मज़ेदार था, और लोग मुझे नहीं लगता पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। खैर, सवाल ये था कि व्हाट इज़ टेकन बिफोर इट्स गिवन टू यू, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो आपको देने से पहले ली जाएगी। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, लोग अपनी रॉकेट साइंस लड़ाते रहते हैं और मेरा ख्याल किसी ने भी जवाब दिया, किसी ने भी मुझे इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि लोग सोचते नहीं है और समझते नहीं है, सिर्फ जवाब देने की करते हैं। जवाब देने की करेंगे तो गलतियाँ तो होंगी। खैर, जवाब इसका यह है कि पिक्चर, तस्वीर आपकी, अगर आप कहीं जाएं या अगर किसी स्टूडियो चले जाएं तस्वीर खिंचवानी हो, तो वो पहले आपकी तस्वीर लेंगे फिर आपको देंगे। ये इसका जवाब है कि तस्वीर एक ऐसी चीज़ है जो आपको देने से पहले ली जाती है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मतलब ऐसी हार्ड कोर कॉमन सेंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी कॉमन सेंस है, हर कोई यूज़ कर सकता है और जवाब दे सकता है। खैर, आज के प्रोग्राम का पहला सवाल था ये। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूँ कि आपके पास फेसबुक का लिंक है, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं, अपने क्वेश्चन बता सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आप हमें ईमेल करके भी अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, टक जैसे बता सकते हैं, ताकि इस प्रोग्राम में वो हम ऐड कर लें। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, वापस आएंगे और हम पूछेंगे हमारा दूसरा सवाल। आ जाए। वाओ, ऑन उई उई फॉर श्योर, पूरे 4 साल इंजीनियरिंग में ऐसा सवाल नहीं पढ़ा हमने। वैसे मैंने ये नोटिस किया है, लड़कियों में कॉमन सेंस होता नहीं है। नहीं होता है, मगर राइट नाउ अगर ऐसे मतलब क्वेश्चंस पूछेंगे तो कैसे, मतलब राइट नाउ मतलब आपको पहले ईमेल कर दूं कि मैं आने वाला हूं।